कहाँ से आई हूँ, घर कहाँ है? तुम्हारे जैसे लड़के को गांव में होना चाहिए अपने पति के साथ। तुमको कुछ भी नहीं पता है, अकल के कच्चे हो। ए, ज़बान संभाल के बात कर। तुम्हारे क्या काम आ सकती है? जो बोलो। तूने कहा था ना तू हमारे काम आ सकती है। तुम लोग उस रास्ते को लूटते हो जहां से चीनी व्यापारी रेशम लाती ले जाते हैं। हाँ। एक कारवां भी नहीं छोड़ते हो? नहीं। फिर भी रेशम हिंदुस्तान के बाजार में पहुंच रहा है। एक और रास्ता है, मरुस्थल में से, भेड़ों के बीच से, एक ऐसी जगह से जो तुम नहीं जानते हो। और तू जानती है? तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर तुम गलत निकली तो हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग। जलान, मेरे रास्ते पे चलना सीख लो, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। चलेंगे और ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हम नहीं जानते, और ये कौन सा नया रास्ता है? हम अब भी वापस मुड़ सकते हैं जलन। उन बर्फीली चोटियों के पार गए हो कभी? नहीं। फिर क्या पता तुमको वहाँ क्या है? क्या है वहाँ? जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जलन, इसके भरोसे हम साला, फिर भी ये बाहर ही ना निकले। फिर भी अंदर। फिर इसकी अम्मा ने जोर से चीखे, हाँ।
जाने तमन्ना इतना तो करे, जाने तमन्ना इतना तो करे, कभी किसी से प्यार करे, कभी किसी से प्यार करे, कभी किसी से प्यार करे। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है। नहीं है, भी थी। पता नहीं वो कौन थी, पुरानी नदी के पास मिली थी। डकैती के बाद से वो भी गायब है। दिखती कैसी थी? कहना मुश्किल है, पहाड़न नहीं थी पर सुंदर जरूर थी। 6 दिन तक हमारे साथ थी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ बोली। ठीक है जाओ। कोई इसके बिना कैसे पैदा हो सकता है?